हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लास्ट टर्न पर फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग नरेशन के अंतर्गत सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग भी बता चुका हूँ। नंबर एक और नंबर दो हेडिंग डलवा चुका हूँ। अब मैं आज आपके लिए नंबर तीन के बारे में बताता हूँ। नंबर तीन की जो चेंजिंग है, नंबर तीन की चेंजिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउन की है, उसके लिए मैं आपके लिए इसी तरह से बताता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमें, यानी यू योर योर्स योरसेल्फ को हमें चेंज करना है, तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई फर्स्ट अथवा थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लेते हैं। मान किस तरह से लेते हैं मैं आपके लिए बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी ये आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही शी इट दे ये आते हैं। मानेंगे हम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसका अस, इसका हिम, इसका हर, इसका इट होता है, इसका देम, इस तरह से होते हैं। हालांकि यहाँ पर बेजानदार नहीं आएगा, इट नहीं आएगा, कोई बात नहीं। यदि स्पीकर फर्स्ट पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन से मानते हैं, इस तरह से मानेंगे। यदि स्पीकर थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से मानते हैं। स्पीकर को देख के चलते हैं, सेकंड पर्सन को यू को हमें चेंज करना है। अगर यहां से ये सब्जेक्ट आ जाए, स्पीकर हो जाए, तो हम ऑब्जेक्ट यहां से मानेंगे, और यहां से स्पीकर आ जाए तो हम ऑब्जेक्ट यहां से मानेंगे। मोस्टली ये भी देखेंगे कि यदि स्पीकर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर मानेंगे, यदि स्पीकर प्लूरल है तो हम प्लूरल मानेंगे। यहाँ भी स्पीकर यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर मानेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल मानेंगे। लेकिन फिर भी स्पीकर सिंगुलर होते हुए भी हम प्लूरल भी मान सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति ढेर सारे व्यक्तियों से बात करता है, तो ऐसे स्थान पर हम सिंगुलर स्पीकर होते हुए भी ऑब्जेक्ट प्लूरल मान लेते हैं। ओके, जैसे बताता हूं अब मैं, जैसे सेंटेंस आएगा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डू नॉट नो माई नेम फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। कैसे बनाएंगे? ही सैड दैट, इस यू को चेंज करना है अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ मान करके। अब यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन मानेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या मानेंगे? मी, सिंगुलर है आगे, मी मान लिया तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा? आई। डू का डिड हो जाएगा, डिड और नॉट नो। माई फर्स्ट पर्सन है, इसको स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे। माई अपने आप में पजेसिव केस है, ही का पजेसिव केस आ जाएगा, हिज नेम फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर होम वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। किस तरह से बनाएंगे? सी सैड दैट, यू को फिर चेंज करने के लिए मानेंगे हम यहाँ पर, फिर हम मी मान लेंगे, मी मान लेंगे, फिर आई आ जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म जो कि तुम रहेगी, योर पजेसिव केस है,
इसको हम जो माना है उसी के अनुसार चेंज करेंगे। मी माना है हमने, योर के स्थान पर आ जाएगा माई, मी का पजेसिव केस माई, माई होम वर्क इस तरह से बन जाएगा। अगला सेंटेंस आई सैड कॉमा इन्वर्टेड यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनाएंगे। आई सैड दैट यू को हम मानेंगे, हम यहाँ आगे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन मानेंगे। थर्ड पर्सन में हम यहाँ अगर एक सिंगुलर वचन है, एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम या तो हिम मानेंगे अथवा हर मानेंगे। हिम मान लिया तो यू के स्थान पर ही आ जाएगा, और हर मान लिया तो यू के स्थान पर शी आ जाएगा। छूट है आपके लिए, कोई भी मान सकते हैं। तो हिम मान लिया हमने, ही आ जाएगा। डिड का हैड हो जाएगा, हैड नॉट थर्ड फॉर्म चाहिए, कंप्लीटेड हो जाएगा। हैड को थर्ड फॉर्म चाहिए। योर को भी जो माना है उसी के अनुसार चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर हिम माना है, योर पजेसिव केस है, हिम का पजेसिव केस आ जाएगा। हिम का पजेसिव केस हिज वर्क इस तरह से बन जाएगा। अगला सेंटेंस वी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल नॉट गो देयर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनाएंगे। वी सैड दैट अब आगे बहुवचन है, मोस्टली हम बहुवचन ही मानेंगे, यानी थर्ड पर्सन में मानेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, क्या आ जाएगा, देम मानेंगे, और यू के स्थान पे आ जाएगा दे। तो दे विल का हो जाएगा वुड नॉट गो देयर फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू have not followed you have not followed us full stop comma close इस तरह से बनाया। बनाइए they said that you को चेंज करेंगे। अब यहाँ मान करके आगे फर्स्ट पर आगे थर्ड पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन मानेंगे। आगे बहुवचन है, यहाँ पर भी बहुवचन मानेंगे, तो यहाँ अस मानेंगे। अस के अनुसार हम यू को चेंज करेंगे, क्या आएगा, वी हैव का हैड हो जाएगा, हैड नॉट फॉलोड थर्ड फॉर्म जो कि तुम आ जाएगी। अस फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करते हम स्पीकर के अनुसार। स्पीकर दे है, अस ऑब्जेक्ट है, स्पीकर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी दे का ऑब्जेक्ट देन इस तरह से बन गया। द मैन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डिड नॉट हेल्प योर फ्रेंड फुल स्टॉप कॉमा क्लोज कैसे बनाएंगे। द मैन सैड दैट यू को फिर मान करके एक वचन करता है, मी मान सकते हैं। आई हैड नॉट हेल्प्ड योर को भी चेंज करेंगे उसी के अनुसार। हिज सॉरी मी माना है हमने, माई फ्रेंड
फुल स्टॉप, इस तरह से चेंज करेंगे हम। यानी अब ये समझ में आ गया होगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में दिया हुआ है तो हम उसी के अनुसार चेंज करते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, उसके अनुसार चेंज करते हैं। अब इससे आगे मैं आपके लिए नियम नंबर 4 में बताता हूँ। नियम नंबर 4 में यहाँ पर अब ये नियम नंबर एक तरह से 4 हो गया। 4 में थर्ड पर्सन आएगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे, यानी ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ, इट, इट, इट्स, इट्सेल्फ, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। यानी इतने सारे वर्डों के लिए हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, She was learning her lesson, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। कैसे बनाएंगे? He said that She had been, वाज को देख करके हैड बीन का प्रयोग करेंगे, लर्निंग, हर को भी चेंज नहीं करेंगे, इस तरह से बना देंगे। यानी शी और हर इस तरह से बनाएंगे। अगला सेंटेंस, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग टू हिज विलेज, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज बनाएंगे। आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू हिज विलेज, इस तरह से बन जाएगा। ही, शी, दो शब्द आए हुए अभी तक। यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट has its own nature, full stop comma close, it has its own nature, कैसे बनाएंगे? You told हो जाएगा आप sentence में, you told me that it, इसको भी नहीं change करेंगे, has का had कर देंगे, its own nature, इस तरह से बना देंगे। चौथा सेंटेंस, वी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे वर प्लेइंग देयर गेम, themselves, they were playing their game themselves बनाएंगे। we said that they, वर का had been हो जाएगा, playing their को भी जो कि तो लेकर के आएंगे हम, third person pronoun है, game themselves, इस तरह से बना। यानी 4 सेंटेंस तुम्हारे सामने आए, 4 वर्ड किए, इनमें से एक वर्ड में, एक में ही, एक में सी, एक में इट, एक में दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन 4 होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। मैंने आपके लिए अब यहाँ पर प्रोनाउन से चेंजिंग समाप्त कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए
इससे आगे लेके चलूँगा। ओके।